सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, जो बात करने जा रहे हैं कि फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट जो होता है उसका काम क्या क्या रहता है, यानी कि दोस्तों 5 स्टार 4 स्टार आपने होटल देखे होंगे, या फिर दोस्तों रेस्टोरेंट हो गया, या फिर दोस्तों क्लब वगैरह हो गया, दोस्तों जो भी प्रॉपर्टीज है, क्रूज लाइन है, या फिर दोस्तों जो भी होटल से रिलेटेड जो भी लाइन्स है, रिजॉर्ट्स हैं, या फिर दोस्तों अलग अलग तरह की जो भी होटल लाइन है, तो दोस्तों इसके अंदर काम क्या रहता है, यानी कि जो फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट होता है उसका काम क्या क्या रहता है, तो दोस्तों उसी के बारे में आप बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप होटल लाइन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो भी एज ए फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये है कि आपका 12th पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको होटल मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफाइड जो भी कोर्स होते हैं वो दोस्तों आपको कोई ना कोई किया होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में की होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप जो है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं होटल लाइन के अंदर। अब ऐसा नहीं कि होटल लाइन के अंदर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ही एक जॉब होती है, इसके अलावा भी दोस्तों फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के अलावा भी आप दोस्तों इसके रैंक होती है और पोस्ट बढ़ती रहती है धीरे धीरे इसकी, तो दोस्तों वो भी आप बढ़ सकते हैं। आपकी जो लास्ट पोस्ट होती है मैनेजर, एज ए मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर वगैरह भी आप बन सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों आप एज ए मैनेजर भी होटल के अंदर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का काम ये रहता है, गेस्ट जो होते हैं उनके साथ वो बातचीत करने का जो भी होता है बातचीत होती है दोस्तों, वो जो फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है वो ही बात करता है, और दोस्तों उनका चेक इन जो है वो ही करता है और चेकआउट भी वो ही लेता है, और दोस्तों जो भी गेस्ट के साथ डील करनी होती है दोस्तों वो फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट करता है उसको। दोस्तों आपको जो भी फ्रंट में जो गेस्ट को जो फ्रंट में आएगा ना, वो फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ही होता है जो गेस्ट को सबसे पहले दिखाई पड़ता है, और दोस्तों जिससे गेस्ट की सबसे पहले बातचीत होती है वो फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ही होता है, और दोस्तों फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ही गेस्ट को सेटिस्फाइड करता है, और दोस्तों रूम्स होटल के जो रूम है वो ही लगाता है, और दोस्तों रूम में जो भी फैसिलिटी है वो फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ही गेस्ट को बताता है, और दोस्तों फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ही उसको गाइड करता है कि कैसे आप होटल के अंदर स्टे कर सकते हैं और पास पास में कौन कौन सी जगह है घूमने लायक है, और दोस्तों लोकल जो भी सिटी का जो भी लोकल व्यू पॉइंट है दोस्तों वो भी गेस्ट के साथ शेयर करता है, और दोस्तों गेस्ट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सोल्यूशन भी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ही देता है। यानी कि तो दोस्तों ये सबसे मेन डिपार्टमेंट भी है, यानी दोस्तों डिपार्टमेंट तो सारे मेन है बट दोस्तों ये जो है सबसे पहले जो फ्रंट में होता है, गेस्ट के जो फ्रंट में आता है वो फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ही रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ना फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम करके अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं, और इसकी अच्छी खासी सैलरी भी होती है, और दोस्तों इसमें अच्छा खासा करियर भी है। आप आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, आप इंडिया के अंदर करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर भी बड़ी बड़ी ग्रुप्स के होटल हैं उसके अंदर भी आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ना आपको है ना फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के बाद दोस्तों आप पोस्ट आपकी बढ़ती रहती है, और दोस्तों धीरे धीरे आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर भी बन जाते हैं, जिनकी जॉब जो भी है प्रबंध देखना होता है कि फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट जो भी होते हैं, या फिर दोस्तों रिजर्वेशन डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर भी दोस्तों आपको देखना होता है, और दोस्तों फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का ये भी रहता है कि जो भी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह आती है उनको कन्फर्म करना हो भी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट को करना होता है, और दोस्तों कॉल जो भी आती है बाहर से तो दोस्तों वो भी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ही हैंडल करता है। तो दोस्तों इस तरह से ना आप फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम करके होटल लाइन के अंदर आप अपना करियर इंडिया के अंदर बना सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बना सकते हैं, 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी में होटल्स में बना सकते हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह में बना सकते हैं, या फिर दोस्तों अलग अलग तरह के होटल लाइन से जो भी जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, टूरिज्म वगैरह है, उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।